जैन समाजाचे प्रतिबिंब महाराष्ट्र जैन वार्ता। जय जिनेंद्र, मैं सीमा मुथा भोसरी पूना। कौन है भगवान महावीर, इस विषय पर मैं अपने शब्दों को प्रकट करना चाहती हूँ। त्रिशला माँ के आंचल में महावीर रूपी सूर्य जाया है। जैन धर्म का गौरव भगवान महावीर ने बढ़ाया है। सौभाग्य से हमने आपके शासन काल को पाया है। भगवान महावीर रूपी महासागर से कुछ बूंदों को अपने शब्दों में पेश करने का प्रयास कर रही हूँ। हे त्रिशला माँ के पुष्प सुगंधित आत्म आनंद के भंडार, जैन धर्म के सुंदर मोती, श्रद्धा स्वर कर लो स्वीकार। वर्तमान अवसर्पणी काल की चौबीसी के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर अपने युग के युग दृष्टा, धर्म नेता, अहिंसा और सत्य के पुनर्संस्थापक, अनंत तेज से संपन्न आध्यात्मिक पुरुष थे। अपूर्व सहनशील, क्षमाशील एवं घोर तपस्वी, जन जन के हितैषी, प्राणी मात्र के प्रिय, विश्व के कर्णधार, सत्य पथ दर्शक थे। अतः लोकनायक, धर्मनायक माने गए। अभी के कोरोना महामारी के हालात को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान विश्व की दुर्दशा मात्र भगवान महावीर के संदेशों से ही दूर हो सकती है। महावीर जो सबके हैं, सबके लिए है, उनका संदेश है अहिंसा परमो धर्म। अर्थात महावीर ने कहा, मन से किसी का बुरा मत सोचो, वचन से किसी को बुरा मत बोलो और काया से किसी को हानि मत पहुंचाओ। हालात के अंधेरों में एक किरण खोजती मानवता को आज भी फिर महावीर की तलाश है, महावीर की तलाश है। कोई वीर महावीर बनकर आए और हिंसा से संतप्त वातावरण में सूखे अधरों पर करुणा का नीर टपकावे और ये धरती फिर एक बार जियो और जीने दो के उद्घोषों से गूंज जाए। नमन करे महावीर को शत सहस्त्रों बार, अनंतानंत उपदेशों के ज्ञान ध्यान दातार। नमन करे महावीर को अनंत अनंत गुणधाम, नाम लेते ही महावीर का सर्वत्र सुखद आराम। धन्यवाद।